हाउ आर यू ऑल, होप ऑल डूइंग वेल। आई एम तनुजा टकवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक आयुर्वेदिक हर्ब के बारे में जो फीमेल एंड मेल की इनफर्टिलिटी को दूर करती है, फीमेल के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ाती है, जिससे फीमेल्स को नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी भी कंसीव हो जाती है। तो गाइज, मैं बात कर रही हूँ त्रिफला की। त्रिफला एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो तीन फ्रूट से बनी है, बहेड़, हरड़ एंड आंवला। ये तीनों फ्रूट्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद करते हैं। तो गाइज, इस हर्ब को आपको किस तरीके से लेना है, कब लेना है, कब नहीं लेना है, क्यों आपको इस हर्ब को अपनी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम पे लेना चाहिए और किस तरीके से ये फीमेल की इनफर्टिलिटी को दूर करती है, मेल की इनफर्टिलिटी को दूर करती है और फीमेल के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ाती है, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस हर्ब को किन लोगों को नहीं लेना है, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये हर्ब आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। सो गाइज, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में आपको देने वाली हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन बगल में ही बेल आइकन दिख रहा होगा उसे भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही मेरे वीडियोज़ के अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। भी फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, इवन दवाइयों का ट्रीटमेंट भी ले चुके हैं फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो गाइज़, आपके केस में भी त्रिफला वरदान साबित हो सकती है। किस तरीके से त्रिफला को लेना है और क्यों आपको लेना चाहिए, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्यों आपको त्रिफला को अपनी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम पे लेना चाहिए। तो गाइज़ देखिए, त्रिफला फीमेल एंड मेल की ओवरऑल हेल्थ पे काम करती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को तो सही करती ही करती है, साथ में अगर स्किन रिलेटेड कोई इशू है, ओरल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है या आई हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, उसे भी ठीक करती है। बट इस वीडियो में मैं सिर्फ फर्टिलिटी की बात कर रही हूँ, तो फर्टिलिटी के बेनिफिट्स मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले ये फीमेल एंड मेल के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। ब्लड का सही तरीके से बॉडी में फ्लो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ब्लड सही तरीके से बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा तो फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती। अगर ब्लड फ्लो सही तरीके से होगा, यानी ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में सही तरीके से होगा, तो फीमेल की यूट्रन लाइनिंग सही तरीके से बनेगी, यूट्रन लाइनिंग सही तरीके से बनेगी तो फीमेल का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, यानी फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। इसके अलावा गाइस, ये इम्बैलेंस हार्मोन को भी बैलेंस करता है और ज़्यादातर इनफर्टिलिटी केसेस में यही देखा गया है कि फीमेल के इम्बैलेंस हार्मोन रहते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। त्रिफला इम्बैलेंस हार्मोन को नेचुरल तरीके से बैलेंस करने में मदद करता है। जिन भी फीमेल्स के इरेगुलर पीरियड्स हैं, यानी टाइम पे कभी पीरियड्स आते ही नहीं है, तो त्रिफला लेने से ये आपकी पीरियड प्रॉब्लम को भी दूर करता है, यानी आपकी इरेगुलर पीरियड को रेगुलर करने में मदद करता है। साथ में जिन भी फीमेल्स को इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, बिकॉज कई बार देखा गया है फीमेल के यूट्रस में या सर्विक्स में सूजन रहती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है, क्योंकि इस वजह से जो स्पर्म है वो यूट्रस के अंदर ही एंटर नहीं कर पाता और जिसकी वजह से फीमेल्स को प्रेगनेंसी ही कंसीव नहीं हो पाती। तो अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, इस केस में भी आपको त्रिफला का यूज़ करना चाहिए, बिकॉज त्रिफला इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम को नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी से रिड्यूस करता है, आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं उसे फ्लश आउट करता है, आपकी बॉडी को सही तरीके से क्लीन करता है, लीवर को डिटॉक्सीफाई करता है, यूट्रस में कोई भी गंदगी है उसे भी आपकी पूरी बॉडी से पूरी गंदगी को साफ करता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स होंगे तब भी फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। इसके अलावा गाइज, इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में विटामिन सी होता है। विटामिन सी फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए रहता है। विटामिन सी का तो इनटेक आपको करना ही करना चाहिए। तो विटामिन सी त्रिफला में होता है, बिकॉज त्रिफला में आंवला होता है और आंवला में बहुत अच्छे अमाउंट में विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी का इनटेक फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद करता है। इसका गाइस, त्रिफला डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जिन भी फीमेल्स का डाइजेशन सही नहीं है, बार बार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, अगर फीमेल हेल्दी डाइट भी ले रही होगी तो उनकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से जो भी उनकी बॉडी में कमी है वो पूरी नहीं हो पाती है। डाइजेशन का इम्प्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइजेशन इम्प्रूव होगा तभी जाके फीमेल्स की बॉडी को जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है वो मिल पाएंगे और जो बॉडी में फीमेल्स की डिफिशियंसी है वो पूरी हो पाएगी, जिससे फीमेल्स के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा ये ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट करता है, एंड जिन फीमेल्स को पीसीएस पीसीओडी में वेट गेन की प्रॉब्लम है, वेट लॉस हो ही नहीं पाता, तो आप त्रिफला ले सकते हैं। त्रिफला लेने से आप जल्दी वेट लॉस कर सकते हैं, वेट लॉस करने से फीमेल के इंबैलेंस हार्मोन बैलेंस में आते हैं। साथ में गाइस, जिन भी फीमेल्स को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी को भी, यानी जिन भी फीमेल्स का मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कम ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही, तो ये आपकी ओबेसिटी की प्रॉब्लम को भी नेचुरल तरीके से सही करता है, यानी आपके वेट को लॉस करने में। जिन भी फीमेल्स को पीरियड के टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है, अगर पीरियड के टाइम आपको बहुत ज़्यादा पेन है, अनबियरेबल पेन है, इसका
मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, तो ये आपकी पेनफुल पीरियड को भी नेचुरल तरीके से ठीक करता है। गाइस ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, साथ में कोई इन्फेक्शन है आपको, बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन है, या यूटीआई का इन्फेक्शन बार बार लग जाता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, तो गाइस त्रिफला से जो भी बॉडी के इन्फेक्शन है वो भी दूर हो जाते हैं। ये सारे बेनिफिट्स आपको त्रिफला देता है। अब किन लोगों को ये त्रिफला को नहीं लेना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए गाइस जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें त्रिफला नहीं लेना है, साथ में जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उन्हें नहीं लेना है, या जिन फीमेल्स को मेल्स को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उन्हें त्रिफला को नहीं लेना है, और साथ में जिन भी फीमेल्स को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है उन भी फीमेल्स को त्रिफला नहीं लेना है, या जिन फीमेल्स को बहुत टाइम से दवाई ले रही हैं डायबिटीज़ की या हाइपरटेंशन की, क्रोनिक डिजीज़ है जिसके लिए बहुत टाइम से दवाइयाँ चल रही हैं, तो उन फीमेल्स को भी या मेल्स को त्रिफला का इनटेक नहीं करना है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको त्रिफला का इनटेक करना है, कब लेना है कब नहीं लेना है पूरी पीरियड साइकिल में। गाइस त्रिफला मेल की स्पर्म हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, मेल के स्पर्म का क्वांटिटी क्वालिटी या मोटिलिटी सही नहीं है तो मेल भी त्रिफला का यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से स्पर्म की हेल्थ को भी ठीक करता है। ठीक है, आपको त्रिफला को लेना है, अब मैं आपको बता देती हूँ। देखिए गाइस त्रिफला के अंदर 3 फ्रूट्स आते हैं, तो इसका मिक्सचर आपको एज अ पाउडर फॉर्म में ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है, बट इस बात का ध्यान रखना चाहिए त्रिफला का पाउडर ऑर्गेनिक होना चाहिए, ये एक चूर्ण टाइप होता है, तो मेल तो पूरा महीना ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फीमेल को पीरियड स्टार्ट होने से ले सकती हैं, 15 दिन तक लेना है बस, उससे ज़्यादा आपको त्रिफला का पाउडर का सेवन नहीं करना है, एंड पूरे दिन भर में आपको 1 टीस्पून ही त्रिफला पाउडर लेना है, या तो आप रात को ले सकते हैं या अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं। रात को यानी खाना आपने खा लिया है, डिनर कर लिया है, उसके 1 घंटे बाद आप त्रिफला का पाउडर ले सकते हैं। किस तरीके से लेना है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। जो ये चूर्ण होता है आपको अपने मुँह में रखना है 1 टीस्पून, उसके बाद आधा ग्लास वार्म वाटर उसी में जैसे आपने मुंह में रखा है उसमें आधा ग्लास आपको वार्म वाटर पी लेना है रात को सोने से पहले, ये काम करना है। अगर गाइस इसे लेने से आपको लूज मोशन हो जाते हैं तो इसका मतलब है आपकी बॉडी इस पाउडर को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, इस केस में भी आप त्रिफला पाउडर का इनटेक मत कीजिए। तो मेल को भी इसी तरीके से लेना है, और अगर इस तरीके से आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप आधे ग्लास वार्म वाटर में 1 टीस्पून ऑफ त्रिफला पाउडर डाल सकते हैं, उसको मिक्स करके पी सकते हैं अगर ऐसे नहीं पी पा रहे हैं जैसा मैंने बताया इससे पहले। और इसके अलावा अगर रात को आप नहीं लेना चाहते हैं तो इसे आप मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, यानी ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले आप त्रिफला पाउडर को ले सकते हैं। मॉर्निंग में किस तरीके से लेना है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। आपको 1 ग्लास पानी डालना है फ्राई पैन में, उसमें 1 टीस्पून ऑफ त्रिफला पाउडर डालना है, उसे हल्का सा उबालना है आधा होने तक उबल जाता है, देन उसे ग्लास में छान लेना है। मॉर्निंग में भी आप वार्म ही पीजिएगा, गरम आपको नहीं पीना है, वार्म पीजिए मॉर्निंग में, सुबह उठ के ये सबसे पहले ये पी जाइए। अगर थायराइड की दवाइयाँ ले रहे हैं तो थायराइड के 1 घंटे बाद आप इस पानी को पी सकते हैं, इसी तरीके से पीना है। होप करती हूँ समझ आगे होगा किस तरीके से आपको पीना है। मेल भी इसी तरीके से ले सकते हैं, मेल पूरा महीना ले सकते हैं, फीमेल्स को सिर्फ 15 दिन लेना है, पीरियड से लेके 15 दिन तक आप इस त्रिफला पाउडर का सेवन कर सकते हैं जिससे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरीके से त्रिफला पाउडर को आपको लेना है जिसके फायदे आपको जल्द मिलेंगे और जल्दी आपको कंसीव हो पाएगी नेचुरल तरीके से। एंड यही आज का वीडियो, होप करती है इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी आपको, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।